रामचंद्र ने क्या, दशरथ महाराज ने क्या निर्णय लिया, दो चार बाल सफेद देखे तो अब रामचंद्र को युवराज बनाएंगे और हम तपस्या करने वन में जाएंगे। ये कान के पास ही सफेद बाल पहले क्यों आते हैं, और जगह पे क्यों नहीं आते हैं? कान में सुनाते हैं जान, काम छोड़ो, दे गिव यू इन्फॉर्मेशन इन द ईयर, नाउ स्टॉप। आपको मालूम है गिनती कैसे करते हैं हिंदी में? वो समर्थ गिनती करने आती है हिंदी में? 50 के बाद गिनो, 50 के बाद गिनो भाई, किसी को आती है? इसका अर्थ क्या हुआ? वन में जाओ, गो टू द फॉरेस्ट, पिकनिक पे जाओ। कोई नहीं जाता। ये गिनती भी ऐसी है, बन बन बन, और 59 नहीं है तो फिर कोई लाठी मार के भगाएगा, 60 लगेगी लाठ, तो फिर देन इट कम्स स्टिक ओनली, फिर तो निकालना पड़ेगा। इससे पहले बुद्धिमानी से पिकनिक पे जाओ। तो ये सफेद बाल कान के पास आते हैं ना, ये कान में समाचार देते हैं कि भाई आप तुम्हारा काम काज का बच्चों को दे दो और चलो वृंदावन। हरे कृष्ण। आजकल क्या लोगों को सफेद बाल आते नहीं, किसी के सफेद बाल दिखते ही नहीं है, क्या बात है? नहीं आते? हाँ, बच्चियां क्या बोल रही है? ये छोटे बच्चे आपकी सीक्रेट को ओपन कर रहे हैं। क्या महाराज दशरथ के पास 2 रुपये नहीं थे काला केस लगाने? गरीब था महाराज। हरे कृष्ण। सो द पॉइंट, जो बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है? ओल्ड एज। तो वो तो पहले दिन से आपको मैं पूछूंगा, हाउ ओल्ड आर यू? तो पहले से ही बूढ़ा होना शुरू हो गया। ओल्ड तो सबके साथ लगता है। बुढ़ापे की डेफिनेशन है मृत्यु का वारंट। भाई तैयारी करो, घर खाली करना पड़ेगा। ये जो शरीर है ना, ये किराए का मकान है जो आत्मा को रहने के लिए मिला है। और हम वायदा पता है क्या करके आए थे? जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसको 100 जन्म पुराने याद आते हैं और बहुत डरता है, कहता है भगवान बस इस बार मेरे को मौका दो, मैं आपका नाम याद करूँगा, बस ये जन्म तो आपकी सेवा करके मैं वापस आपके पास आऊँगा। वायदा करके आता है, प्रॉमिस करता है। जैसे ही जन्म होता है ना, वो किसी को नहीं जानता है। कोई उसको पकड़ के ऐसे करता है, मेरा बेटा है, वो ऐसे देखता है, कौन है ये, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। बच्चा बोलता है, कौन मुझे पकड़ रहा है? तब तक कोई बुढ़िया आती है, मेरा पोता आ गया। वो बोलता है, अरे राम, कहाँ मेरे को खोता बना रही है? एक बार पोता किया, सारी जिंदगी खोता बनना पड़ेगा। खोता का मतलब खो गया, दुनिया में खो गया बेचारा। वो जानता नहीं, ऐसे देखता रहता है, क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं भगवान को बोला था मैं आपका नाम सुमरण करके हूँ, यहाँ तो मेरे को नाना मामा याद करना पड़ेगा। सब एकदम गड़बड़ हो गया। तो बात क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण। नहीं, पॉइंट ये आ रही थी कि ये घर, ये शरीर हमारे को किराए का मकान मिला है, जिसके अंदर किराएदार कोई, आप तो लोगों का मकान लेके यहाँ सब किराए पे रह रहे हो ना, तो मकान को ठीक ठाक रखना होगा ना। अगर कोई मकान के अंदर गड़बड़ करेगा
तो मालिक कहेगा खाली करो, राइट। तो जब हम इस मकान के अंदर जिस काम के लिए दिया गया है वो नहीं करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो ऊपर से मालिक जिसने ये मकान दिया है वो कहता है ठीक नहीं कर रहे हो। भाई किसी के मकान आप ले, उसके अंदर कोई आदमी वो शराब खाना चलाए, कुछ ऐसी बात करे, तो मकान रहने तो नहीं देगा ना, सब शिकायत करेंगे ना। तो जब आदमी इस शरीर में जो भजन करने के लिए दिया है, देह धरी का फल ये भजमन कृष्ण मुरार, मनुख जन्म की मौज मिले न बारम्बार। ये बार बार मनुष्य शरीर मिलना बच्चों का खेल नहीं, इंसान बार बार बनना बच्चों का खेल नहीं, ये तो मिला ही शरीर भगवान के भजन के लिए है। यही तो महाराज भरत को शिक्षा देते हुए ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे पुत्र दिव्य तपस्या करना। ये संसार के भोग तो हर जूनी में मिलते हैं, ये खाना पीना ये मौज ये तो सब जूनी में मिलते हैं, मानव जूनी में ब्रह्म सौख्यम अनंतम, जो अनंत सुख है उसके लिए थोड़ी तपस्या करना। तो जब हम इस शरीर से वो काम नहीं करते जिसके लिए शरीर हमको मिला है, तो फिर इस शरीर में पहले छोटी सी बीमारी आती है, सिकनेस। सबको बीमार कोई हुआ कि नहीं हुआ इस दुनिया में? आप जब आए हो कोई कभी कभी बीमार होते हो? बीमारी आने का मतलब ये है कि मालिक ऊपर से आपको नोटिस भेजता है कि भाई ठीक तरह से जिस काम के लिए दिया है वो काम करो, नहीं तो खाली करा दिया जाएगा। हम क्या करते हैं? भगवान की बात नहीं सुनते हैं, सीधा अस्पताल के में डॉक्टर के पास, ठीक करो। अरे ठीक करो नहीं, ठीक बनो। तो बीमारी क्या है? नोटिस। लेकिन नहीं मानते हैं तो दो चार सफेद बाल निकलने शुरू होते हैं कि अब नहीं, कभी तुम्हारे को खाली करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने आप को थोड़ा धोखा देते हैं कि नहीं, हम तो अभी तक जवान है, बोलता ठीक है कोई बात नहीं। सुबह कभी ऐसे सेब खाते हैं तो एक दांत गिरता है नीचे, दांत नीचे गिरता है, बुढ़ापा बोलता है मैं आ गया अब तो खाली करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, डॉक्टर डेंटल सर्जन 32 के नए, हम कितना प्रयास करते हैं बुढ़ापे से बचने का, लेकिन कोई बच नहीं पाया। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि ये शरीर किस लिए हमको मिला है, ये शरीर शरीर का यूज क्या है, किसी काम का है ये? ये शरीर में जो कुछ है वो चीजें अलग अलग करके रख दी जाए आपको कैसे लगेगी? इसकी चमड़ी सब उतार के एक बाटल में यहाँ सजा के रख दी जाए, इसका सारे मसल दूसरी बाटल में रख जाए, हड्डियाँ तीसरी बाटल में रख दी जाए, और बाकी जो ब्लड मत ये सब सारे सब जगह रख दिया, किसी को कोई पसंद है चीज इसमें से? ये सब सेपरेट करके रख दिया जाए किसी काम की है? इस बॉडी की टोटल कीमत कितनी है? हाउ मच इट कॉस्ट? 122 रुपया है कि 35 रुपया? हम 110 रुपये का सारा मटेरियल इस बॉडी में है। आजकल पानी महंगा हो गया, हो सकता है रेट बढ़ गया हो, लेकिन दिस मच इसका इसमें सामान इतना ही। वो आयरन है कितना, थोड़ा सा इतना है, एक कील भी नहीं लगेगी घर में कपड़े टांगने के लिए, इतना भी नहीं है इसमें। सो ये शरीर में है क्या? पांच तत्वों का पुतला की ना, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। कौन से तत्व है? वाटर, वेरी गुड। पांच तत्वों का पुतला की ना, नाम रखो या बंदा, बंदे क्योंकि बंदा किसको बोलते हैं? आदमी को। बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। इसके अंदर जो माल है वो सब ऐसा है कि किसी को पसंद नहीं, सिर्फ आंख से निकलता है खराब, नाक से, कान से, कहीं से जो निकलता है सब खराब। तो अंदर है, अंदर से आता कहीं बाहर से आता? कारीगर ने, कारीगर बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, बाहर से रंदा फेर दिया, रंदे का मतलब बहुत स्मूथ बना दिया, अच्छा लग रहा है,
लेकिन अंदर क्या है, कुछ काम का नहीं है। एक बार अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जाओ सबसे खराब चीज है उसको पता कर लेना। तो अर्जुन सब जगह जाके देखने लगा, एवरीवेयर व्हाट इज वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट, कोई मिला नहीं। तो एक जगह पाइल ऑफ स्टूल पड़ा था, बहुत मलमूत्र किसी ने जाते हुए नाक बंद किया, अरे ये दिस इज द वर्स्ट थिंग। तो वहां से साउंड आया, मैं वर्स्ट नहीं, मैं तो कल गुलाब जामुन हलवा लड्डू काजू बर्फी था, ये तुम्हारे शरीर में जाने से मेरा ये हाल हुआ। कल तक मैं, मेरा नाम तो बड़ा अच्छा था, मैं हलवाई के दुकान पे सजा हुआ था, क्या तुम्हारे अंदर गया और मेरा ये हाल हुआ? तो खराब कौन है भाई, जरा बताना जाके, तेरी मशीन खराब है, प्रोडक्शन खराब है तुम्हारा, माल हमने अच्छा दिया। तो अर्जुन ने भगवान ने पूछा, क्या खराब है? बोला, भगवान ये शरीर खराब है और कुछ खराब नहीं, ये सब गड़बड़ इसकी है। तो इस शरीर को स्पिरिचुअलाइज करना है, ये आपकी पिकनिक है, इसका मतलब है हाउ टू स्पिरिचुअलाइज दिस बॉडी। प्रभुपाद हैज गिवन टेक्निक विद एग्जांपल, कहते लोहा तो लोहा होता है, लेकिन आग में डाल दोगे और आग में लोहा गर्म होने लगेगा, और लोहा गर्म होने के बाद आग का काम करेगा, किसी को लगाओगे तो जला देगा। ऐसे आप लोग अगर भागवत के संबंध में आओगे, भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, तो आपका ये शरीर जो इस वक्त गंदा और भौतिक है, ये स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हमारे मानव जन्म में एक ही हमको काम करना है कि शरीर को स्पिरिचुअलाइज करना है। इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास 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 अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक कहावत है,